इंसाफ लिए दर दर भटक रही महिला, कहीं इंसाफ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची महिला और प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली को बताए अपनी पीड़ा। मामले को संज्ञान में लेते हुए शमशुल हसन बल्ली ने तत्काल कमिश्नर से बात कर पीड़ित को कमिश्नर के पास भेजकर समस्या का समाधान किया। आपकी लड़ाई में सब हम लोग बहुत परेशान महिला है। मैं बहुत परेशान हूँ भैया, मेरी मेरा घर ले लिया है, मेरे पति का आता पता नहीं चल रहा है, कहाँ है, किधर है, मार इन लोगों ने लिया है। पड़ोस में है चंदन सिंह यादव, उसने सारे दस्तावेज अपनी बना लिए हैं, अपनी बीवी के नाम पे मेरा मकान कर दिया। मैं सिर्फ 4 दिन के लिए अपने मायके गई थी, उसके में इन लोगों ने क्या करा, पति को कहाँ भेजा, क्या करा, कुछ भी पता नहीं है। पुलिस में शिकायत करी आपने? पुलिस में शिकायत करी, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पे मैंने 4 बार फोन लगाया, कलेक्टर ऑफिस, जहाँ जहाँ जा सकती थी, जो जो बोल रहा है मैं सब कर रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप क्या करती है, काम करती है? बात करो। मैं बंगले पे काम करती हूँ, झाड़ पोछा, बर्तन, 4 बच्चे मेरे छोटे छोटे। अभी कहाँ रह रहे वर्तमान में? रोड पे लेके बैठी हूँ मैं। थाने में क्या कार्रवाई हो रही? थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ये आप नगर निगम जाओ। घर का नगर निगम गई, सब जगह गई मैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, परेशान हो रही, ठंड में बच्चों को लेके रोड पे बैठी हुई। कहाँ का मामला है? चूना भट्टी कोला का। नाम बता दीजिए आपका। सुनीता। मकान किसके नाम पे? मेरे पति दोनों के नाम से। दोनों नाम। कब्जा किसने किया? चंदन सिंह ने। कौन है चंदन? चंदन सिंह यादव। कौन है? पड़ोस मोहल्ले में रहता है। क्या काम करता है? वो नगर निगम में है, कर्मचारी। नगर निगम कर्मचारी है। मैंने उसके ऑफिस में भी जाके आवेदन दी थी, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। कमिश्नर को अड़का था वो। शमशुल हसन बल्ली जी है सर, एक महिला आपके पास आई है, अपना निवेदन, एक परेशान हालत में आई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहना चाहूँगा कि राजधानी में, मध्य प्रदेश की राजधानी में आदमी गायब हो जाता है, महिला 4 बच्चों के साथ सड़कों पर पड़ी रहती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री बंगले में रोड बैठ के ब्रीफिंग करते हैं, बगल में एक महिला का पति गायब है, 4 बच्चे सड़क पर लेकर बैठी हुई है, ये हमारे लिए शर्म के विषय है और मध्य प्रदेश सरकार के लिए शर्म का विषय है। ऐसी महिला के साथ अगर जाती होती है और दर दर की ठोकरें खा रही है, सारे प्रशासन में घूम कर आई है, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है। आज मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय ये महिला आई है, यकीनन पूरी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश उस महिला के लिए संघर्ष करेगी। 3 दिन में अगर उसके पति को प्रदेश सरकार ने, जिला प्रशासन ने 3 दिन में अगर उसके पति को ढूंढ कर नहीं दिया और जो बेघर महिला है उसको वापस मकान में दाखिल नहीं किया, तो ये हम 3 दिन बाद इस महिला को यहाँ बुलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को घेराव भी करेंगे, वो सड़कों पर आकर इस महिला के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग बड़े शर्म का विषय राजधानी में होके, वो जबकि मैं बड़ी हैरत की बात है, वो शासकीय कर्मचारी है जिसने उस गरीब औरत के मकान पे कब्जा किया है, उसको ये शर्म नहीं आई, ये रहम नहीं है कि छोटे छोटे 4 बच्चों को लेकर वो महिला कहाँ जाएगी। उस कर्मचारी के खिलाफ भी मैं अभी यहीं से कमिश्नर भोपाल को फोन करूंगा कि ऐसे लोगों को नौकरी से निष्कासित किया जाना चाहिए जो बलपूर्वक मकान को खाली करवा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं लोगों के, गरीबों के मकानों।